आप केला खाएंगे? अरे हाँ, क्यों खाएंगे, केला तो हम खाएंगे। जहां अपना की जय हो। अब आप अपनी बाकी की जिंदगी यही करते रहेंगे या आगे कुछ बोलेंगे भी? ये क्या कर रहे हैं, नीचे क्या देख रहे हैं, नीचे है क्या? यहाँ पर देख के बोलिए बोलिए, कब बोलेंगे आप? झापना काबुल से पठान आए। ये तो कितनी खुशी की बात है, तो हम क्या करें, आगे बोलिए। वो खुद को आपका मामू जात भाई बता रहे हैं। दिलावर भाई जान आए हैं? हाँ, वो खुद का नाम दिलावर खान बता रहे हैं। दिलावर भाईजान आए हैं, आपने उन्हें बाहर? अरे तो आप यहाँ पर क्या खड़े हैं, दिलावर भाईजान बाहर है, उन्हें आप आइए, लेकर आइए उन्हें, चलिए हटिए हटिए, दिलावर भाईजान आए हैं, आइए आइए आइए, दिलावर भाईजान आइए आइए आइए, हम अपने महल में आपका इस्तकबाल करते हैं, आप आइए आइए, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। वैसे दिलावर भाईजान को तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते उन्हें हम बता दें, दिलावर भाईजान हमारे बड़े भाई की तरह है। मैदाने जंग में 8 बार, जी हाँ सही कह रहा हूं ना, 8 बार इन्होंने हमारी जान बचाई है। एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही नेक दिल और साफ मन के इंसान है। और इसके साथ साथ 1 साल पहले इनकी शादी रानी साहिबा की मौसी की बेटी से हमने खुद करवाई है। हम दिलावर भाईजान की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत, और इनकी कोई भी बात को हम काट नहीं सकते। ओए कोची, ये बात हम जानती कि तुम हमारी किसी बात को नहीं काटती, इसीलिए हम तुमको अपने लिए एक अदद बीवी ढूंढने का जिम्मा देती। हाँ जरूर, क्यों, हमारा दूसरा शादी का बंद करती। आपको दूसरी शादी करनी है, मतलब आपको एक और शादी करनी है, मतलब आपको? बिल्कुल सही सुनी। अरे दिलावर भाईजान, अगर भाभी से आप कोई अनबन हुई है तो आप हमसे कहिए, हम भाभी से बात करेंगे। अरे भाभी तो एक बहुत ही नेक खवातीन है। ओए खोची, तुम्हारी भाभी से हमारा कोई अनबन नहीं हुई, वो तो बहुत अच्छी, वो हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती, अच्छा अच्छा कपड़ा बना के पहनाती, उससे तो हम बहुत खुश हैं। वो हमारा बहुत खिदमत करती, हम उससे बहुत खुश होती, वो हमारा जिंदगी खुशियों से भर देती। अरे तो जब वो आपको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है, आपकी खिदमत करती है, आपकी जिंदगी खुशियों से भरती है, तो फिर आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए तो दूसरा शादी करना चाहती, एक शादी से इतना खुशी मिलती तो दो दो शादी से 2 गुना खुशी मिलती। नहीं भाईजान, ऐसा नहीं होता है, ये 2 दुनी 4 का पहाड़ा हर जगह नहीं चलता है। अब आप इससे मिलिए, अब इसकी 3 शादियां हुई, आप इससे पूछिए क्या ये अपनी 3 शादियों से खुश है। अरे लेकिन अब दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है, ऐसे दुगनी खुशी नहीं होती है। देखिए अभी आपको 1 शादी में जो खुशी मिल रही है ना, 2 शादी आप कर लेंगे ना, जो आपको 1 शादी की खुशी है वो भी गायब हो जाएगी, हम बता रहे हैं आपको। ओए खोची, तुम ये बात क्यों नहीं समझती? रुको, हम तुम्हें समझाती। एक संतरा खाती तो मजा आती, ये दूसरा संतरा खाती
दो गुना मजा आती। आपको शादी और संतरे में फर्क नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं होता है भाईजान, शाही खून है हम, और हम बड़े अब्बू की बात से बिल्कुल सहमत है अब्बा हुजूर। हमने भी आजमाया है कि जब हम एक शेर दूध पीते हैं तो हम 50 बार दंड बैठक करते हैं, और जब हम 2 शेर दूध पीते हैं तो हम 100 बार दंड बैठक करते हैं। मुझे बताया बुबू, सलीम भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं 1 लोटा पानी पीता हूँ तो मैं 2 बार गुसल खाने जाता हूँ, जब मैं 2 लोटा पानी पीता हूँ तो मैं 4 बार गुसल खाने जाता हूँ। खामोश खरगोश। अरे भाई जान को कोई समझा क्यों नहीं रहा है? बीरबल आप समझाइए ना भाई जान को, ये दूसरी शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रानी साहिबा हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी वो अलग। जहां बना हमारे हिसाब से दिलावर भाईजान बिल्कुल सही कह रहे, 2 शादी करने से दुगना मजा मिलता है, दुगनी खुशी मिलती है। आप ये क्या कह रहे हैं बीरबल? देखा, सबकी समझ में ये बात आती पर तुम्हारे भेजे में ये बात क्यों नहीं जाती? जापाना भाईजान बिल्कुल सही कह रहे, आप भी इनकी बात मान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं दिलावर भाईजान, हम आपके लिए दूसरी लड़की ढूंढेंगे शादी के लिए। खुशी पठान खुश होती। चलिए, आप बहुत लंबा सफर करके आए हैं, आप थोड़ा मेहमान खाने में जाकर आराम कर लीजिए। ओए खोजी, हमारे ठहरने का इंतजाम अस्तबल के पास वाले मेहमान खाने में करती। जब तक हम घोड़ों की आवाज नहीं सुनती हमें नींद नहीं आती। ठीक है, तो घोड़ों के अस्तबल के पास वाले मेहमान खाने तक आपको ये गधे पहुंचा देंगे। हाँ हाँ, तुम लोगों से कह रहा हूं, ले जाइए। चलिए बड़े अब्बू, हमारे महल में घोड़ों के साथ साथ और भी जानवर हैं। आइए आइए। हाँ, कुत्ता बिल्ली गधे वाले सब हैं। तक लिया। बीरबल, क्या हम जान सकते हैं अभी अभी आपने ये क्या किया? तो आपको भाईजान को समझाना चाहिए था कि दूसरी शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जबकि आप ये समझा रहे हैं कि दूसरी शादी करके उनकी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। जा बना एक बहुत ही पुरानी कहावत, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। हम दिलावर भाईजान को जितना बोलेंगे उनके इरादे और उतने ही मजबूत होते जाएंगे, उन्हें बोल के नहीं करके समझाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर रानी साहिबा खफा हो गई तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देंगी हमें? हाँ मतलब उतना नहीं कराएंगे लेकिन गुस्सा तो होंगी ना। लेकिन जापना, हमने पहले ही कहा था कि इतने कम अक्ल वाले आदमी से हमारी मौसी की बेटी की शादी मत करवाइए, लेकिन आप माने नहीं। अच्छा, तो आपकी मौसी की बेटी क्या हूर परी है? ऐसी ऐसी दिखती है वो, ऐसी बात भी ऐसे करती है। हमारी शादी करा दीजिए, हमारी शादी करा दीजिए किसी तरह। एक तो हमने एहसान करके उनकी शादी करवाई, ऊपर से आप हमें कह रहे हैं। खैर ये सब छोड़िए, आप ये सोचिए कि ये भाईजान के दिमाग से ये दूसरी शादी का भूत हटाएं कैसे। जापाना हमारे पास एक योजना है, दिलावर भाईजान को घोड़ों का बहुत शौक है और घोड़ों के सबसे बड़े वैद सुकून चंद कल हमारे राज्य में आ रहे हैं। बस आप इतना कीजिए कि सुकून चंद को दिलावर भाईजान के बगल वाले कमरे में ठहरा दीजिए। घोड़ों के वैद बीच में कहां से आ गए बीरबल? कौन घोड़ों के वैद? आए नहीं जापना, घोड़ों के वैद सुकून चंद लाए जाएंगे, बस आप थोड़ा संभाल लीजिए। क्यों, आप कहां जा रहे हैं? सुनिए,
यहाँ पर आइए, ये हमसे नहीं होगा, किसी और से करवा लीजिए। ये हमारा हुक्म है। वो तो शुक्र है कि रानी साहिबा और सासू अम्मी रानी साहिबा की एक सहेली के पास गई हुई है, यहाँ पर होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हमें कब से इधर बिठा के रखी, इधर हमारा मन नहीं लगती। नहीं नहीं, हमें पता है आपका मन घोड़ों के बीच लगता है ना, तो हमने यहाँ पर अपनी रियासत के सबसे बड़े घोड़ों के हकीम को बुलाया है, सुकून चंद जी। वो आते होंगे, एक बार आप उनसे मिलिए, आपको खुशी होगी। जापना वो हकीम सुकून चंद आ गए। सुकून चंद जी आ गए, ले आइए उन्हें, ले आइए। आपकी आंख में कचरा चला गया? नहीं नहीं, आप जाइए और सुकून चंद जी को लेकर आइए। जी जापना, हमारी आंख ठीक है, पता नहीं क्या। तो बार बार यही कहेंगे कि जहां पड़ा अमर रहे। जहां पड़ा को अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम, मेरा नाम प्रेमलता है, आगे पीछे बोलकर। और हमारा नाम ना कुसुमलता है, मीठे बोल बोलकर। वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती होती। हाँ हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। वैसे सुकून चंद जी, ये दोनों ख्वातीन हैं कौन? जहाँ पना, ये हमारी दो बीविया है। दो दो बीविया? जहाँ पना, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक फूल दो माली, एक गोरी दूसरी काली। अच्छी बात है, दो दो बीवियां होनी चाहिए। खाना खाने के बाद हम खाते हैं खजूर। आपने हमें दावत देकर हमारा मान बढ़ाया है हुजूर। ओए खोचे, बात दरअसल ये है कि हम भी दो शादी करना चाहती, पर कुछ लोग बोली कि दो शादी जिंदगी बर्बाद करती। झूठ बोलते हैं लोग, झूठे हैं। दो शादी करके दो फूल खिलता है, दो शादी करके दुगना मजा मिलता है। ओए लालजी जान, पठान खुश हुआ, तुम पठान के सर से बोझ उतार देती। चलो चलो लजीज जायका नोश फरमाओ। हम खुद नहीं खाती, ये दोनों हमें खिलाती। ओ गुले गुलजार, वल्लाह लीजिए हमारे हाथों से पनीर की सब्जी खाइए, आगे पीछे ढोल कर। दीदी ने आपको पनीर की सब्जी खिलाई है, हम भी खिलाएंगे, हमारे हाथों से भी पनीर की सब्जी खाइए, मीठे बोल बोल कर। मैं खिलाऊंगी पूरी खीर, आगे पीछे ढोल कर। बोल बोल कर। मैं मारूंगी तो ये ठीक हो
जाएंगी आपके पीछे ढूंढकर। हम तैयार होती और तुम अभी तक तैयार ही नहीं होती। चलो चलो अस्तबल चलती। ओए खोचे सुकून, ये तुम हर चीज दो दो क्यों पहनती? अरे ये हमारी बीवी ने पहना दिए हमको कपड़े दो। गर्मी की वजह से, इतनी गर्मी है, गर्मी की वजह से एक एक रो रहा है रो। चलिए अस्तबल चलते। ए, ए, तो ए, क्या 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 होती? चक्कर चक्कर आ रहा है, चक्कर। अरे कोई है? स्वामी क्या हुआ? ओए, हम कुछ नहीं करती। सर दर्द हो रहा है, सर दर्द। स्वामी मैं ये लेती हूं आपका सर दबा देती हूं आपके पीछे ढोल के। नहीं स्वामी, मैं आपका सर दबा देती हूं। मीठे बोल बोल के मैं दबा दूं। अरे तुम ये क्या करती? ऐसे तो ये मर जाती। अरे कोई हकीम को बुलाती। क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्की सी खांसी है। इनको खांसी भी है? नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम इनकी बात कर रहे हैं। इनको क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है, गर्मी की वजह से चक्कर आ गए हैं। हम अभी इन्हें खुराक दे देते हैं। ये लीजिए, ये दवाई है। इन्हें एक खुराक अभी दे दीजिए और एक रात को। ऐसे 5 दिन तक खिलाइए। अभी 2 घंटे में इनको आराम मिल जाएगा। लीजिए, अब हम चलते हैं। हमें भी अपनी खांसी दिखाने किसी बड़े हकीम के पास जाना है। अच्छा स्वामी, आपको दवा खिलाती हूँ आपके पीछे ढोल की। स्वामी मैं भी आपको दवाई खिलाऊंगी मीठे बोल बोल के। ओए, ये तुम दोनों क्या करती? एक खुराक दवा अभी देनी होती और दूसरे रात में देनी होती। दीदी मैंने सुनाई नहीं कि हकीम जी ने क्या कहा? हुजूर, हकीम जी ने कहा कि एक खुराक खिलाने से 2 घंटे में आराम मिलेगा। तो 2 खुराक खिलाने से 1 घंटे में आराम मिलेगा। अरे ऐसा नहीं होती। ऐसा ही होती। मैं दवाई खिलाऊंगी मीठे बोल बोल के आगे पीछे ढोल के। मीठे बोल बोल के आगे पीछे ढोल के। मीठे बोल बोल के आगे पीछे ढोल के। छोटी दीदी, स्वामी नहीं। कोची, तुम हमें बुलाती? दिलावर भाईजान मुबारक। मुबारक हो। आपको ये जानकर बड़ी खुशी महसूस होगी
कि हमने आपकी दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है। नहीं नहीं, तुम उसे वापस गुम कर देती। हमें दूसरी शादी नहीं करनी। अरे लेकिन आप ऐसा क्यों बोलती? हमने जिस लड़की को ढूंढा है उसके माँ बाप से भी बात कर ली है, हम उनको क्या जवाब देती? ओए खोजी, हमको नहीं पता होती तुम क्या करती। हमको दूसरी शादी नहीं करनी। हमें अपनी पहली बीवी, पहली क्या, आखिरी बीवी की याद आती। हमको अपने वतन की याद आती, हम अपने वतन को जाती। अरे रुकिए रुकिए, लेकिन अभी रानी साहिबा और सासू अम्मी कल आने वाले हैं, उनसे मिलकर तो जाइए। नहीं नहीं, तुम उन्हें हमारा सलाम बोलती, हम जाती, हम जाती। अरे लेकिन सुनिए, कमाल कर दिया बीरबल, बीरबल जहां पड़ा। ओ हो हो, बीरबल ऐसे सच पूछे तो ऐसी तगड़ी औरतें हमने कभी देखी नहीं है, लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रहे हैं आप, लग रही हैं आप। हम तो ऊपर वाले से पूछना चाहेंगे कि आपको औरत बना के ही क्यों नहीं भेजा? अगर आपको औरत बना के ही भेजा होता तो हम अपनी जान छुड़ाते और आपकी शादी बलदेव से करवा देते। नहीं बलदेव